देखिए हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्मों का संबंध बताया गया है। भगवान अग्नि के 7 रंग होते हैं, सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं, इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 वचन पत्नी के होते हैं, 7 वचन पुरुष के होते हैं। इन 7 वचनों को स्वीकार करने के बाद ही विवाह मान्य होता है। 7 फेरे का मतलब यह होता है कि यह 7 जन्मों का संबंध है, 7 आगामी 7 जन्मों का यह संबंध है, इसलिए अग्नि के 7 फेरे भगवान अग्निदेव को साक्षी मानकर किए जाते हैं। महाराज मान्यता क्या है 7 बंधनों का? बताया ना कि अग्नि देवता के 7 रंग होते हैं, उनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, इसलिए भगवान अग्निदेव को साक्षी मानकर है। अग्निदेव जिसे कलयुग में 5 देवता प्रकट हैं, उनमें सबसे प्रथम है अग्निदेव, सबसे प्रथम है सूर्य भगवान, नंबर 2 पर अग्निदेव, प्रत्यक्ष प्रकट प्रमाणित देवता हैं। इसलिए अग्निदेव को साक्षी मानकर जन्म से लेकर विवाह और अंत में मृत्यु के उपरांत भी यह अग्निदेव ही हैं जो मनुष्य की जीवात्मा के साक्षी होते हैं। महाराज 7 वचन ही क्यों लिए जाते हैं? जब 7 जन्मों का संबंध हो तो 7 ही वचन तो लिए जाएंगे, 8 जन्मों का संबंध होता तो 8 वचन लिए जाते, क्योंकि 7 ही जन्मों का यह संबंध है, इसलिए 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं।